स्कूल शिक्षा जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा का सायला में भव्य स्वागत। शोभा यात्रा के साथ हुआ सायला में प्रवेश, जगह जगह फूलों की मालाओं से हुआ स्वागत। जिला स्तरीय भीनमाल में आयोजित शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे शिक्षा जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा पहली बार सायला पहुंचने पर निजी विद्यालय संघ सायला के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश त्रिवेदी की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आगाज अम्बे माता मंदिर में दर्शन कर शोभा यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा अम्बे माता मंदिर से रवाना हुई, जिसमें रथ पर प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा बैठे थे और निजी विद्यालय के शिक्षक देशभक्ति डीजे की धुन पर निजी विद्यालय संघ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे डीजे की धुन, स्कूल के विद्यार्थी, सिर पर कलश धारण किए बालिकाएं चल रही थी। शोभा यात्रा में जगह जगह प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें अम्बे माता मंदिर में संकुल सायला, सायला गेस्ट हाउस पर संकुल केशवना, उद्देश्यों का आवास में संकुल तोरा, अंबेडकर चौक संकुल सुराना, गणेश जी के मंदिर के पास संकुल रेवतड़ा, सुमेध जी की गली पर संकुल बावतरा, जैन मंदिर में संकुल आलवाड़ा, इसी के साथ संकुल मांडवला, उमेदाबाद, पोसाना, जीवाना ने भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शोभा यात्रा में निजी विद्यालय के शिक्षकों के साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं और ग्रामीणों ने भी भाग लिया। पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि मेरे स्वागत में सायला ब्लॉक के निजी संघ ने पलक पावड़े बिछाए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में पहली बार ऐसे मैंने स्वागत देखा है। सायला ब्लॉक के सभी निजी शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ उन्होंने निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण पर भी चर्चा की। इस मौके पर सायला ब्लॉक के सभी निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। मैं सच के लिए किसी भी हद तक कहीं भी उतर सकता हूँ बेटा, और ये जीवन का सबसे बड़ा फलसफा है। मैं आपकी तरह जो छोटा बच्चा था तब भी मैं सत्य के लिए लड़ पड़ता था, मैं कभी लेट नहीं होता था मेरी जिंदगी में। पढ़ाई में रहा था, मैं माँ बाप से झूठ बोलता था, मैं अपने टीचर से, अगर मेरा पढ़ने का मन करता था तो पढ़ता था, नहीं था तो कहता था अभी इच्छा नहीं है, मैं आधा घंटा खेल लूँ मैं फिर पढ़ लूँगा। ये अपने आप के प्रति ईमानदार होना होता है, और यही मैं आपसे कहूँगा। ये जो बच्चे हैं ना, ये इस देश का भविष्य है, इनसे पढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में, और आपसे पढ़कर कोई पेशा नहीं है। शिक्षक से बड़ा कोई पेशा हो ही नहीं सकता दुनिया में। सब चीजें छोटी है आपके सामने, आप अगर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसे कहीं लायक कर देते हैं तो पूरी पीढ़ी को नहीं, उसकी सात पीढ़ियों को लायक कर देते हैं। इतना पहुंचने का काम आप कर रहे हैं, हो सकता पैसा कम मिलता हो, आपको पैसा कम मिलता हो, बता दो जो मान सम्मान आपका है वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, बस ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये भगवान मान लो, ये बच्चे आपके भगवान हो, इनके दिल से पूजा करो, इनको जितना अच्छा आप दे सकते हो वो देने की कोशिश करो, एक दिन देखेगा ये लौट के आएगा। कभी भी अच्छा दिया हुआ बेकार नहीं करते। जितने भी आपके स्कूल के टीचर्स है, डायरेक्टर्स है, वो जरूर होते मेरे लिए ढाई घंटे की ट्रेनिंग होगी। मैं जालौर में पहली बार आ रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, मेरी ढाई घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्कूल संचालन संबंधी सारे नियमों की विस्तृत जानकारी होती है, और जैसे ही वो जानकारी आप लेते होंगे आप खुद अनिल शर्मा बन जाओ। नियमों की जानकारी आपको मजबूत करके माननीय बच्चे हैं और इन्होंने अच्छी तैयारी कर ली, तो फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का इसको डर नहीं लगता। मानते हो बेटा, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती तो परीक्षा का डर थोड़ा लगता है। परीक्षा से वो बच्चे डरते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, मैं यही समझ लो। आज से आपका डर ही